के लिए। और ये बिहार में नवेंदु जी आप ये जरा बताइए कि जब MY कॉम्बिनेशन था और है तो क्या वजह है कि वहां से कोई कैंडिडेट नहीं देना उचित समझा इस समय? खैर यादव ज्यादा जरूरी हैं और मनोज झा ज्यादा जरूरी हैं, मतलब पार्टी के एक तरह से वो प्रवक्ता और आइडियोलॉग हैं वहां, इसलिए जी। देखिए इसके पीछे जो वजह है थोड़ा सा बिहार का केस थोड़ा अलग है, लेकिन एक मामले में जो भवेश जी ने जो कहा तो उससे मैं भी सहमत हूँ कि एक जो राम मंदिर फेनोमेना है तो राम मंदिर फोबिया जो है ये कहीं ना कहीं एक है पॉलिटिक्स में और उसको मजबूती से हालांकि विपक्ष उसको लड़ रहा है, लेकिन अभी देखिए चूंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तुरंत हुई थी और दूसरी बात है कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ने सत्ता बदल किया और तो उस आधार पर एक तत्काल जो एक ऐसा कोई बिंदु नहीं विपक्ष छोड़ना चाहता है कि जिससे ये ध्रुवीकरण की स्थिति बने। तो एक जो पहले से ख्यात है या नाम है या बदनाम है जो भी है, या फिर राजनीति की भाषा में कहें तो RJD का ये पॉलिटिकल इक्वेशन रहा है माई, जिसको दीपक कोचगवे भाई ने भी कहा, तो वो माई समीकरण की बात थी ही। तो लेकिन एक यहां बचने की कहीं ना कहीं कोशिश है अभी फिलहाल, और लोकसभा का चुनाव 2 महीने बाद आएगा तो फिर मुद्दे भी सामने आ जाएंगे राजनीति के और इशू जो जनता के हैं, तो फिर उस मुद्दे पर चुनाव होगा तो शायद राम मंदिर थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक दूसरी बात भी है बिहार के लिए खासतौर पर कि एक तो तेजस्वी जो है जिस तरीके से सामने आए हैं उभर करके और एक तरह से पार्टी में लीडरशिप के मामले में भी, तो पहले भी वो उनको कमान दे दी गई थी, लालू प्रसाद जब सिंगापुर अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे जो दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था उसी में, लेकिन तो अब तेजस्वी की चल रही है और तेजस्वी थोड़ा सा परंपरा से अलग हटकर जो RJD की परंपरागत जो तौर तरीके रहे हैं उससे थोड़ा अलग हटकर वो पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं। और ये भी एक वजह है जैसा कि लोग कह रहे हैं कि विभिन्न वर्गों में जो है उनका एक समर्थन बढ़ा है, तो वो समर्थन बढ़ा है तो वो उस लाइन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद ने फोन किया था कि हिना साहब को कि आप राज्यसभा जाइए तैयारी कीजिए, तो अशफाक करीम एक पहले से थे सीटिंग जो जिनका सीट खाली हुआ, तो ये माना भी जा रहा था कि उस आधार पर अशफाक करीम के बदले में हिना साहब को भेजा जाएगा तो बिल्कुल वही हो जाएगा, एक मुस्लिम कैंडिडेट जाएगा। लेकिन फिर फंस रहा था मामला कि मनोज झा ने जिस तरीके से एक इंटेलेक्चुअल मोर्चा संभाला है पूरे पार्टी का और एक उनकी छवि, माने मनोज झा का जो प्रेजेंटेशन है चाहे राज्यसभा में हो सदन में हो हर जगह और पूरे सोशल मीडिया पर भी, तो उस प्रेजेंटेशन ने उस अपीयरेंस ने मनोज झा के एक RJD के प्रति एक सर्वभाव का भी एक समर्थन जुटाया है। तो तेजस्वी की रणनीति में ये शामिल है A to Z, तो उस A to Z के हिसाब से तेजस्वी कहीं से अब नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा मिले बीजेपी के हाथ में जिस पर वो ये खेल कर सके। बाकी रही मई समीकरण की बात, तो वो लोकसभा चुनाव में सामने आना ही है तो वो उसमें सीट शायद मिले भी हिना साहब को, तो एक ये बात है। लेकिन दूसरी बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार का भी थोड़ा सा ले लें तो विपक्षी गठबंधन जो है वो थोड़ा अभी फिलहाल इन चीजों से बच रहा है। अभी जो एक थोड़ा टेम्परेचर चढ़ा हुआ है अयोध्या में, अभी भी दर्शनार्थी जो है वो पहुंच रहे हैं, बीजेपी उनको ले जा रही है, लेकिन मूल मामला बिहार का थोड़ा अलग केस है तो उस आधार पर हुआ। और दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, संजय झा वशिष्ठ नारायण सिंह क्यों नहीं रिटायर हो गए? जैसे मार्गदर्शक मंडल में कहा जा रहा है कि सुशील मोदी भेज दिए गए, तो क्या वशिष्ठ नारायण सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए? तो देखिए अब जो समीकरण बदला गठबंधन बदलने के बाद, तो JDU के पास अब यही विकल्प था कि वो जो है किसी एक उम्मीदवार को भेजे जो श्योर सीटें यानी 35 सीटें प्रथम वरीयता क्रम में 35 सीटें जो है 35 नंबर जिसके पास होगा तो उसकी जीत सुनिश्चित है। तो जो अभी
इधर से उधर मामला हुआ और अविश्वास मत जो अध्यक्ष के खिलाफ आया या फिर नीतीश का जो विश्वास मत है उसमें जो पलटी मारी हुई है, तो देखिए मुश्किल वहां भी आके फंस गई है। जेडीयू के जो विधायक हैं, जाहिर तौर पर 7 विधायकों की बात हो रही थी जिसमें 4 जेडीयू के और 3 बीजेपी के, जिनका हो रहा था कि पाला बदलने की तैयारी थी उनकी, उसमें से कई लोग अभी भी बिछुद चल रहे हैं, बीमा भारती से लेके फिर जो है मिश्री लाल यादव बीजेपी के हैं उधर, तो और फिर जो है डॉक्टर संजीव हो, तो ये एक स्थिति उन दलों की है। दूसरा मुश्किल क्या आ गई है कि जो आरजेडी के 3 विधायकों ने पलटी मारी है, चेतन आनंद और फिर जो है नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने, तो इनका वोट किधर काउंट होगा? क्योंकि अभी तक इस पर हाउस ने एक डिसीजन नहीं दिया कि इनकी सदस्यता जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये देखिए दोनों तीनों पार्टियों में गरज हो गई है। गरज क्या है कि अभी इस मामले को साइलेंट किया जाए, क्योंकि आरजेडी को भी नुकसान हो जाएगा 3 विधायकों का, बीजेपी को भी नुकसान की आशंका है कि उसके भी 3 विधायक जो है इधर उधर अभी थोड़ा दिमागी तौर पर स्थिर नहीं है, और साथ साथ जेडीयू को भी परेशानी है कि उसके 4 में से उसके भी 3 विधायक अभी थोड़े से परेशान हैं और सरकार के खिलाफ आरोप भी लगा रहे हैं प्रताड़ना का वगैरह वगैरह। तो ये एक जो स्थिति बनी हुई है ना, इसमें ये ऐसा हो गया तो एक सीट ही जेडीयू दे रही है, तो उस अब ये संजय झा कौन है? देखिए संजय झा को इसलिए नीतीश कुमार भेज रहे हैं कि ये वही संजय झा है जो बीजेपी से आए हैं, ये बीजेपी में थे और बीजेपी में आए और आपको 2005-06 में आए थे, तो और अभी जो है वो नीतीश के बहुत खासम खास थे। और इस बार जो पलटी मारी हुई है नीतीश कुमार की, उसमें मुख्य भूमिका निगोसिएशन की बीजेपी से वो संजय झा ने निभाई थी। और संजय झा जिस दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था और जो सभा थी बिहार में गांधी मैदान में कर्पूरी जयंती शताब्दी पर वर्ष पर, तो उस समय नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे थे, उधर दिल्ली में संजय झा बैठे हुए थे अमित शाह के पास, तो उसी समय से ये पूरा खेल चल रहा था। तो संजय झा ने चूंकि अपनी पुराने संपर्कों का भी फायदा उठाया और उस आधार पर उनके विश्वास पात्र के तौर पर वो काम कर रहे हैं। अभी नीतीश की इच्छा के मुताबिक उनका मनपसंद डिप्टी सीएम नहीं दिया गया, सुशील मोदी को बनवास भेज दिया गया, मार्गदर्शक में भेज दिया गया, और बाकी जो दोनों आए हैं धूर विरोधी हैं डिप्टी सीएम सम्राट और विजय कुमार सिन्हा। तो ऐसे में कहीं फिर आगे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार ने कहा था कि एक सुगम एक सेतु रहना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना बन सके। तो इसके लिए संजय झा को ये इनाम दिया गया है, और संजय झा इनाम क्या, संजय झा को ये दायित्व तो दिया गया है, तो उस दायित्व तो खास दायित्व तो बोध के लेकर के दिल्ली जा रहे हैं संजय झा राज्यसभा में, और वैसे वो चाहते थे लोकसभा लड़ना। अब देखिए यहां भी एक पॉइंट है विक्षोभ का, लोकसभा लड़ना चाह रहे थे, लोकसभा वो कहां से चाह रहे थे, दरभंगा से, और वो अभी भी चाह रहे हैं कि उनको लोकसभा लड़ाया जाता है, क्योंकि वो काम करने वाले एक नेता के रूप में संजय झा जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है, एक मधुबनी में जो उन्होंने मिथिला हाट बनाया है उस वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उतने रिमोट में जाकर के मिथिलांचल में तो और कई तरह के काम, वो अपने विभागों में भी अच्छा काम किया उन्होंने, जब जल संसाधन मंत्री के हिसाब से बाढ़ को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंध किया, तो एक अच्छे वो पढ़े लिखे कुशल हैं नेता, लेकिन अभी उनका मुख्य भूमिका यही है। और आगे फिर नीतीश कुमार मजबूरी में या दबाव में या बीजेपी के व्यवहार से पलट नहीं जाए, और नीतीश चाहते हैं कि सुगमता से चीजें चले, तो इसको लाइनअप करने के लिए संजय झा को वहां भेजा जा रहा है। लेकिन लोकसभा में जो दरभंगा सीट से संजय झा लड़ना चाह रहे थे अभी भी, वहां पेच फंस गया था कि बीजेपी का सिटिंग वहां पर एमपी है, तो वो ठाकुर जी हैं वो और काफी वो प्रभावी हैं, बीजेपी वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब कई सीटें जो अभी सीट शेयरिंग का होगा ना, देखिए एक तो राज्यसभा ये निबट रहा है, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से जेडीयू कॉर्नर थोड़ा हुई है,
तो उस आधार पर लोकसभा की सीट शेयरिंग में भी ये पेच आगे जा करके फंसेगा बीजेपी और जेडीयू के बीच, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच। और आज ये 16 तारीख को चिराग पासवान पारस जो है उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है, क्योंकि उसमें पारस का मानना है कि हमको ठीक है एक मंत्री पद आपने दिया है लेकिन हमको 5 सीटें कम से कम लोकसभा की लड़ने को दी जाए। उधर चिराग जो है 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और दोनों में अभी कोई समझौता हुआ नहीं, हाजीपुर सीट अलग फंसा हुआ है। तो इस राज्यसभा के चुनाव में जो 6वीं 7वीं सीट जो है उसकी स्थिति नहीं बन सकी, इसलिए कि अंदर खाने में किचकिच है, जिसको बोलते हैं ना एक भोजपुरी में बिहार में शब्द है किचाइन हुआ है जी। दीपक जी, तो ये किचकिच तो आप मुझे लगता है 30-40 साल से देखते आ रहे हैं जब भी चुनाव होता है, और पहले तो थोड़ा जूनियर सीनियर का लिहाज रखा जाता था, अब तो जो लड़का आज कुर्ता पहनता है कल से वो टिकट मांगने लगता है। तो बहरहाल संक्षेप में आपकी आखिरी टिप्पणी, उसके बाद मैं भवेश जी के पास जाऊंगा संपादकीय टिप्पणी के लिए। जी देखिए, पूरी कहानी हो गई, मगर जहां तक मेरा मानना है कि 7वां जो उम्मीदवार है उसकी तैयारी चल रही, और बीजेपी 7वें उम्मीदवार के रूप में जो मैंने अभी नाम बताया उसकी तैयारी चल रही है, या बहुत प्रेशर हुआ तो रीना पासवान को भी 7वें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा सकता है। नहीं, अभी क्या नॉमिनेशन वहां बाकी है, डेट नॉमिनेशन रीना पासवान, रामविलास पासवान की पत्नी, तो ये सारी बातें अभी हैं। और चुनाव आज नामांकन हुए हैं, आज नामांकन हुए हैं, नहीं तो आज तो आखिरी दिन था ना जी, और ये 16 ये कल तक है, कल तक है, और 20 जो है वो अंतिम तौर पर उस दिन जो है घोषणा हो सकती है। और 27 के बारे में तो अगर मतदान होगा तो 27 को होगा जी। मेरी टिप्पणी अंत में जी कि ये जो स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ अभी विधानसभा में, मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में ये बताया जाएगा कि कहां से कौन पलट गया, कैसे पलट गया। सबसे बड़ा एक टेक्निकल इशू जरूर अभी नवेंदु भाई ने बताया कि 3 जो विधायक हैं आरजेडी के जो बैठ गए थे उन पर एंटी डिफिक्शन बिल लाएंगे, अगर तुरंत उस पर निर्णय हो जाता है तो वो तीनों की सदस्यता चली जाती है, तो संख्या बल 243 जो है 240 पर आता है, तो 240। और आरजेडी के तरफ से अंदर खाने की ये खबर है कि उनको अब कोई विश्वास नहीं उन तीनों पर, ये तीनों हर हाल में क्रॉस वोटिंग करेंगे और वोट बढ़ाएंगे एनडीए का। तो कहीं ये रिजर्वेशन लिया गया है कि इन लिखकर स्पीकर को दिया जाए, और स्पीकर को बहुत आज लालू भी मिले हैं और तेजस्वी ने उनका पैर छुआ है, ये सारी बातें वहां हुई है। तो ये राबड़ी देवी भी गई थी, राबड़ी देवी भी गई थी, और बीमा भारती जो है उन्होंने भरे ये में विधानसभा में लालू का पैर छुआ है, तो ये सारा नाटक चल रहा है कि ये 3 विधायकों को अब सीधे आउट कर देना कोई फायदा नहीं। वो मान रहे कि तीनों हमारे खिलाफ वोट करेंगे, ठीक है, एक ही डर है कि अगर 3 हटते हैं तो सेकंड नंबर की पार्टी हो जाते हैं और बीजेपी 1 नंबर की पार्टी हो जाती है विधानसभा में, यही एक डर है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत शोर होगा इस चुनाव में, लोग चाहेंगे तो हो सकता है एकाएक कोई बहुत पैसा वाला इंडस्ट्रीज आ जाए और कल नामांकन कर दे और वो खरीद बिक्री शुरू करे। ये हुआ है बिहार में, जैसे किंग महेंद्र जब तक जीवित रहे तब तक उनको राज्यसभा भेजा गया, एरिस्टो के मालिक राज्यसभा भेजा गया, तो हो सकता है कि कल कोई नया टहलते हुए आए और नामांकन कर दे, और 10 जो विधायक हैं वो अधिक हैं, हो सकता है कि 7वें उम्मीदवार के रूप में वो आके खड़ा हो जाए, बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। मगर ये दिलचस्प मोड़ पर है, वैसे दोनों तरफ से 3 उम्मीदवार जीतना तय है,
और उसमें पटने ही है, सातवे उम्मीदवार के बाद अगर होती है तब मामला बन जाएगा। मगर अब ये सोच लगातार चलेगा, हो सकता है कि अगर सातवां नहीं खड़ा होगा तो चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं होगी और निर्विरोध छह उम्मीदवार चुन लेंगे। एक वो 20 फरवरी को अंतिम तौर पर अगर जो स्थिति बन रही है दीपक जी ने जो बताया, लेकिन जो समीकरण मैं जो समझ पा रहा हूँ तो वो स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए मान के चला जा रहा है कि जो अंतिम तारीख है 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, कोई इलेक्शन होने की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जब वो वही सातवां उम्मीदवार की बात आएगी तो इलेक्शन की स्थिति बनेगी। एक और बात जो बहुत जरूरी जानकारी है, मुझे लग रहा है वो जिक्र होना चाहिए कि एनडीए में जो जहां इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है, वही आप देखिए इंडिया गठबंधन ने भी एक मिसाल पेश की है यहां पर, महागठबंधन ने, और वो ये कि इस बार पहले से ये मानक की चला जा रहा था, क्योंकि जो महागठबंधन था तो उस आधार पर उसके पास सीटें भी ज्यादा थी, तो भाकपा माले के तरफ से, चूंकि भाकपा माले और वाम दलों को मिला करके जो है वो कुल जो है 16 विधायक थे, तो हर बार वाम दल सपोर्ट देते रहे हैं, चाहे वो जब भी गठबंधन में रहे तो आरजेडी को या फिर कांग्रेस को। तो इस बार एक बात आई थी कि भाकपा माले का भी एक दावा था कि एक पार्टी के नाते उसको भी एक सीट दी जाए और राज्यसभा में भेजा जाए। जाहिर तौर पर मानकर चला जा रहा था कि दीपांकर भट्टाचार्य जो महासचिव है सीपीआई मिलके, तो वो जाएंगे और काफी एक मुखर नेता भी रहे हैं, राहुल गांधी की सभाओं में भी शिरकत लगातार करते रहे हैं मंच से। लेकिन जब ये पलटी मारी के बाद जो स्थिति बदली, समीकरण बदले, तो उसके बाद कुर्बानी की बात आई तो फिर सीपीआईएमएल को ही कुर्बानी देनी पड़ी, और उसमें एक बड़ा बयान भी आया दीपांकर भट्टाचार्य का, और उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये कुर्बानी देना पड़ता है गठबंधन में, और हम लोग जिस गठबंधन में मजबूती से उस पर टिके रहेंगे। तो एक स्तर पर बयान दे करके और फिर अखिलेश सिंह की उम्मीदवारी जो है उस आधार पर पक्की की गई, इसलिए कि राहुल गांधी की यात्रा जो बिहार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें भी उनका परफॉर्मेंस बहुत था, बढ़िया था। दूसरा है कि अपने विधायकों को रोक कर रखा उन्होंने, हैदराबाद ऑपरेशन शिफ्टिंग जो हुई तो अभी तक कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूटा। तो एक राय मशविरा होकर के एनडीए यहाँ एकजुट नजर आया इस राज्यसभा के चुनाव में, वही सॉरी महागठबंधन या इंडिया एकजुट नजर आया, लेकिन एनडीए जो है वो उसमें अंदर खाने में अभी भी कई चीजें पक रही हैं। तो जैसा दीपक साथी दीपक कुछ गवे बता रहे हैं, तो कुछ अगर ये खेल और गहराएगा, खिचड़ी ज्यादा पकी तो फिर अंत में कुछ हो सकता है। बिहार रहा है कि एकाएक कोई बहुत बड़ा आदमी थैला लेकर आता है और वो उसमें शिरकत करता है, हम लोगों ने बहुत देखा है बिहार में। हालांकि यूपी में भी लोग याद करते हैं कि किसी जमाने में जब हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे तो बिरला जी को कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया था, लेकिन बहुगुणा जी ने ऐसा खेल किया कि बिरला जी जो है वो खाली हाथ वापस जाना पड़ा, उनको थैली सूटकेस साथ में आए। तो होता है